अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैम्बी ट्रैवल व्लॉग की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम विज़िट करते हैं इस्लामाबाद के सेक्टर E11 का। E11 इस्लामाबाद का एक रिहायशी सेक्टर है जो मरगला के पहाड़ियों के दामन में वाक़ है। ये इस्लामाबाद के पोश और तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल किया जाता है। ये सेक्टर बुनियादी तौर पर रिहायशी मकासद के लिए बनाया गया है और यहाँ कई जदीद रिहायशी सोसाइटीज़ और अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। E11 में मुख्तलिफ किस्म के रिहायशी फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स और लग्जरी घर मौजूद हैं। ये सेक्टर इस्लामाबाद का खूबसूरत तरीन सेक्टर है। यहाँ मुख्तलिफ कमर्शियल प्लाजे और शॉपिंग सेंटर्स भी वाक़ हैं जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आसानी से दस्तियाब हैं। E11 और उसके इर्द गिर्द मुत्तहिद तालीमी इदारे मौजूद हैं जिनमें स्कूल्स और कॉलेजेस शामिल हैं। E11 में खूबसूरत मसाजिद और पार्क्स हैं जो यहाँ के रहायशियों के लिए खूबसूरत खुशगवार माहौल फराहम करते हैं। E11 सेक्टर का वजूद में आया इसका कोई ख़ास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन ये 2000 की दहाई में इस्लामाबाद के दीगर सेक्टर्स की तोसी के दौरान तरक्की पाने वाले इलाकों में शामिल है। ये इलाका तेज़ी से आबाद हुआ और यहाँ की जायदाद की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है।
ये इलाका अपनी अच्छी लोकेशन, जदीद सहूलियात और इस्लामाबाद के दीगर अहम इलाकों तक आसान रसाई की वजह से मशहूर है। E11 सेक्टर इस्लामाबाद के नुमाया और मकबूल रहायशी इलाकों में शुमार होता है। यह सेक्टर शहर के शुमाली मगरबी हिस्से में मरगला हिल्स के करीब होने की वजह से ज़्यादा खूबसूरत लगता है और अपनी जोग्राफी, महल वकूत, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की वजह से शहरों में बेहद मकबूल है। इस्लामाबाद का शुमार पाकिस्तान के मंसूबा बंद और खूबसूरत दारुल हुकूमत में होता है। E11 सेक्टर इसी की एक अहम मिसाल है जो जदीद शहरी जिंदगी के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सकें। अपनी राय कमेंट्स ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मुस्बत सोच रखें। अल्लाह हाफिज़।